हिमाचल प्रदेश मिडे मील वर्कर्स यूनियन ने केंद्रीय यूनियन के आह्वान पर मंडी में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया तथा जिला प्रशासन के माध्यम से एक ज्ञापन भी प्रधानमंत्री को भेजा। ज्ञापन में कहा गया है कि मार्च महीने से स्कूल बंद होने के बावजूद भी खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिडे मील योजना में बच्चों को सूखा राशन पहुँचाने का काम कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा कई राज्यों में शेल्टर्स होम में, कई राज्यों में आइसोलेशन केंद्रों में भी मिड डे मील वर्कर काम कर रहे हैं, मगर इस काम का कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है, बल्कि पूरे सुरक्षा उपकरण भी कार्यकर्ताओं को नहीं दिए जा रहे हैं। देश में इस समय लगभग 26 लाख मिड डे मील कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जिनके लिए केंद्र सरकार ने केवल 1,000 रुपए महीना मानदेय तय कर रखा है और वह भी साल में केवल 10 महीने ही दिया जा रहा है। कुछ राज्यों में इन कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया है, मगर अधिकांश राज्यों में 1,000 रुपए मासिक ही मिल रहा है। यूनियन का कहना है कि मिड डे मील वर्कर सभी गरीब तबके से संबंधित महिलाएं हैं, जिनके लिए अपने परिवारों का पालन पोषण इस राशि में कर पाना मुश्किल हो रहा है। पूरे देश में लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को वेतन देने का ऐलान हुआ, मगर मिड डे मील कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया। जिला स्तर पर हुए प्रदर्शन में मिड डे मील वर्कर्स यूनियन के जिला प्रभारी गुरदास वर्मा, जिला प्रधान चमन, सचिव करिश्मा के अलावा धनी देवी चंपा, रीता, धनी देवी द्वितीय, डोलमा, बबली के अलावा 8 खंडों से आई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में उठाई मांगों में कोरोना महामारी के दौरान मिड डे मील वर्करों को न्यूनतम वेतन 7,500 रुपए देने, सभी कार्यकर्ताओं के परिवार को 10 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन भर रसोई का पूरा सामान मुहैया करवाने, आइसोलेशन केंद्रों शेल्टर्स होम में काम कर रहे कार्यकर्ताओं को 600 रुपए प्रतिदिन मजदूरी दी जाए, मानदेय पूरे साल 12 महीने का दिया जाए, नियमित किए जाने तक न्यूनतम वेतन 24,000 रुपए दिया जाए, सभी वर्कर्स को नियमित किया जाए व पेंशन का प्रावधान हो, सभी बच्चों जिनमें लौटे हुए प्रवासी बच्चे भी हैं को राशन बढ़ी हुई मात्रा के अनुसार दिया जाए, मिड डे मील वर्करों को मनरेगा भी काम दिया जाए ताकि वे मनरेगा मजदूरों को भी भोजन बना सकें तथा उसकी अलग से मजदूरी दी जाए, आदि मांगे रखी गई हैं। आज जो है मिड डे मील वर्कर्स फेडरेशन, जो इनकी अखिल भारतीय फेडरेशन है, उसका आह्वान पे पूरे देश के अंदर, पूरे जिलों के अंदर और ब्लॉक स्तर पे ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस प्रदर्शन का मुख्य जो कारण है, ये जो कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद है और हमारा मिड डे मील वर्कर जो है घर घर जाकर जो है वो सूखा राशन जो है बच्चों को वितरित कर रहे थे, लेकिन अभी भारत सरकार का ये फरमान आया है कि देश आर्थिक संकट में चला गया है और हम जो है मिड डे मील वर्करों का जो मानदेय वो नहीं दे पाएंगे, स्कूल पता नहीं अक्टूबर तक खुलेंगे, दिसंबर में खुलेंगे, इस तरह का एक फरमान आया है। लेकिन हमारा इसमें मानना है कि मिड डे मील वर्कर पिछले 16 साल से जो है काम कर रहा है, इन्हें 1,000 रुपया मात्र भारत सरकार देती है, 33 रुपए दिहाड़ी के अंदर इनको काम करना पड़ रहा है, ये भी बड़ी शर्मनाक बात है। और सरकार ने ये भी कहा था कि हम इनको अगर स्कूल नहीं भी खुलते हैं तब भी हम इनको मानदेय देते रहेंगे और 7,500 रुपया महीने का जो है देने की बात भी कही थी, लेकिन आज सरकार उससे मुकर रही है। इसी के साथ साथ 31 अक्टूबर 2019 को हिमाचल जो हमारा माननीय हाईकोर्ट है उसने हिमाचल सरकार को आदेश दिया था कि मिड डे मील वर्करों को 12 माह का वेतन दिया जाए। मालूम हो कि इनको जो है 12 महीने के बजाय 10 महीने का वेतन दिया जाता था, लेकिन वो हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया था, अब सरकार उससे भी मुकरने वाली है। वो बोलती है कि 12 महीने तो क्या, जो हम 10 माह का भी इन्हें वेतन दे रहे हैं उसको भी देने के लिए जो है हमारे पास जो है कोई फंडिंग नहीं है। तो इसीलिए जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, दूसरा इनका जो है छंटनी की जा रही है। 16 साल काम करने के बावजूद भी 25 बच्चों की शर्त लाई है और जहां 25 से 24 बच्चे हो जाते हैं वहां से एक कार्यकर्ता को निकाल दिया जाता है। इसीलिए हमने जो ये आज जो सांकेतिक जो हमने धरना प्रदर्शन किया है, आज हम माननीय उपायुक्त महोदय मंडी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश और माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को दे रहे हैं। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो आने वाले समय में हम आंदोलन को और तेज करेंगे।